एपिसोड की शुरुआत में हमें ग्वेन को दिखाया जाता है जो ग्रैंडपा के गाने से बोर हो रही होती है। उसके बाद बेन को दिखाया जाता है जो बाथरूम फ्लश नहीं कर पा रहा होता, इसलिए कुछ सेटिंग करते हैं और वो फ्लश चालू हो जाता है और बाहर आकर बेन आरवी की बुराई करने लगता है। इसी बीच एक ट्रक आरवी को टक्कर मार देता और वो ऑलमोस्ट गिरने वाले होते हैं। इससे पहले कि दोस्तों मैं एपिसोड आगे बढ़ाऊं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन्हें भी जरूर देखें। बैक टू द स्टोरी, ग्रैंडपा किसी तरीके से खुद को बचा लेते हैं। बेन यहाँ पर स्टिंग फ्लाई मांगता है पर उसे रिपचॉस मिलता है। ग्रैंडपा तेजी से उनके आगे बढ़कर उन्हें टक्कर मारने लगते हैं। बेन भी सही मौका देखकर एक कार पर कूद जाता है, उसके इंजन को चबाने लगता है। ग्वेन अपने मैजिक से एक टोर्नेडो पैदा करती है और उन सभी कारों को एक साथ उड़ा देती है, जिससे अब उनकी नजर ग्रैंडपा के आरवी पे पड़ जाती है और हमें ग्रैंडपा को दिखाया जाता है। बेन को ढूंढ रहे तो तभी उनके सामने एक आदमी आता जो उन्हें बताता है कि उनकी आरवी में एक मॉन्स्टर है और वो अंदर जाकर देखते हैं तो बेन मस्त नहा रहा होता है। बेन और उसकी फैमिली ने उस इंसान की मदद की होती है इसलिए वो ट्रीट देता है। रेस्टोरेंट की वेट्रेस बताती है कि वो लोग यहाँ पे आने वाले सभी को तंग करते हैं और इस समय उनका प्लान हाईवे उड़ाने का है ताकि उनका राज ऐसे ही कायम रह सके। ग्रैंडपा अपनी आरवी को ठीक करने लगते हैं। बेन जब फ्रिज से आइस क्यूब निकालने जाता है तो मशीन खराब हो जाती है। ठीक मौका देखकर वही रोड छाप गुंडे वहाँ पर आते हैं और ग्रैंडपा की आरवी लेकर भागने की कोशिश करते हैं। बेन यहाँ पर अपचक बनता है लेकिन वो बेन को उड़ाकर वहाँ से निकल जाते हैं। बेन का पैर सीढ़ी में फंस जाता है जिसके आगे गर्म वैक्स होता है। इससे पहले बेन को नुकसान पहुँचता ग्रैंडपा मशीन को बंद कर देते हैं, इसके बावजूद भी बेन को अच्छे से मशीन धो देती है फिर सुखा देती है। वो लोग ग्रैंडपा की आरवी को अपने तरीके से चेंज कर देते हैं। दूसरी तरफ ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि वो आरवी को अपनी फैमिली का हिस्सा मानते थे। ग्रैंडपा सोच रहा था कि आरवी को कैसे ढूंढे, तभी वो वेटर्स आरवी लेके आते हैं और वो लोग ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर सैटेलाइट की मदद से ग्वेन पता लगा लेती है कि वो लोग इस समय कहाँ पर हैं। वो चोर मिलकर चलती रेल से मिसाइल चुरा रहे होते हैं। आरवी की मॉडिफिकेशन देखकर ग्रैंडपा का दिल टूट जाता है और आरवी से वो लोग हमला करने लगते हैं। बेन तुरंत अपग्रेड बनता है और ट्रेन की सवारी के लिए निकल जाता है। बेन पूरी ट्रेन पर काबू कर उनका पीछा करने लगता है, पर वो सही समय पर दोनों उतर जाते हैं तो बेन पूरी ट्रेन को ही जमीन पर ले आता है और उनका पीछा करने लगता है। ग्वेन फिर से टोर्नेडो वाला जादू इस्तेमाल करती है और सभी को उड़ा देती है पर आरवी फिर भी बच जाती है। बेन टाइम आउट होने से पहले आरवी पे चढ़ जाता है और अंदर घुसकर आरवी के साथ छेड़खानी करने लगता है जिससे कि मेन फंक्शनिंग चालू हो जाती है और प्रॉब्लम आने लगती है, जिससे गुंडे भाई गुस्सा हो जाते हैं और बेन पर हमला करने की कोशिश करते हैं पर आरवी की मदद से बेन उसे हरा देता है। ग्रैंडपा अब तक वहां पहुंच चुके होते हैं। ग्रैंडपा उसे छोटे से टूर के लिए भेज देते हैं जिसके बाद वो लोग फिर से रेस्टोरेंट पर जाते हैं। उसके मालिक को जब आरवी सौंपते हैं तो वो पूरी तरह से खंडहर हो चुकी होती है। बेन यहाँ पर एक्सेलरेट बनता है और आरवी को फिर से पहले जैसा कर देता है, जिसके बाद ग्रैंडपा वहां से गाते हुए निकल जाता है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।